पहचाना तो जरूर होगा, वर्दी देख के ही अंदाजा लगाया होगा, है ना? एकदम सही हुआ, मैं पुलिस वाला ही हूँ, पुलिस वाला आपका रक्षक। मगर पुलिस वाला नाम सुनते ही आपके सबके दिमाग में एक ही बात आती है, कौन सी? भ्रष्टाचारी, घूस लेने वाला। ना जाने आप लोगों ने कुछ गिने चुने लोगों की वजह से ही हम सबको एक ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप सब सिर्फ उस नजर से ही हमारे बारे में सोचते हो, है ना? पुरानी फिल्मों में हम अक्सर दो डायलॉग सुनते थे, एक कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और दूसरा कानून अंधा होता है। लेकिन आप लोगों ने उनमें से खाली एक ही बात को आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लिया है। कानून के आग पर पट्टी बंदी होती है, कानून अंधा होता है। लेकिन अफसोस, आज सही में किसकी आग पर पट्टी बंदी है, हमारे कि तुम्हारे? एक बार तो सोचना ही पड़ेगा। हम कितना भी चाहे तो भी आपको होश नहीं आता है, जो कितना भी खोलने की कोशिश करे खुल नहीं रही। सोच सोच कर हम हैरान है कि क्या करें कि शायद आप सबकी आंखें खुल जाए। आपके लिए तो हम 24 घंटे काम करते रहते हैं, अपनी जान पर खेलते रहते हैं। जब कोई आपत्ति आती है तो सब लोग अपने घर में रुक जाते हैं, मगर हम सबको सूचना देते हैं, आगाह करते हैं कोई भी घर से बाहर मत निकलो, लेकिन खुद रास्तों पर उतर कर उस आपत्ति से लड़ते हैं। आप त्यौहार मनाते हैं, एक त्यौहार खत्म हो तो दूसरा खत्म हो तो तीसरा खत्म हो तो और। आपका तो ये साल भर चलता ही रहता है, मगर हमारा क्या? गणपति हो, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, हम हमेशा रास्ते पर 24 घंटे कड़ा पहारा, बंदोबस्त है रे बाबा। अगर हम बंदोबस्त नहीं करेंगे तो आप खुशी से त्यौहार का मजा कैसे ले पाओगे? बहुत से लोग कहते ये सब पैसे खाते। अगर हम पैसे खाते तो पैसा खिलाने वाला कौन होता है, ये भी जरा बताओ। अगर किसी पॉकेट मार को भी पकड़ा तो उसे रिहा करने के लिए एमएलए तक हाजिर हो जाते हैं। हम फिर भी नहीं माने तो ऊपर से दबाव, फिर ट्रांसफर। हम ड्यूटी करें तो कैसे? ईमानदारी से करो तो हाथ में ट्रांसफर। चुप बैठे तो बेईमान करार। जीना ही मुश्किल हो गया। कभी कभी तो हद होती है कहने की। कुछ लोग कहते इनके पेट बढ़ गए, ये कैसे मुजरिम को पकड़ पाएंगे? अरे बाबा, रात दिन ड्यूटी करो, टाइम पे खाना नहीं, कौन सी भी चीज वक्त पे नहीं, फिर बढ़ जाता है शरीर। मगर आप क्यों हमारे बारे में सोचेंगे? हमारी ड्यूटी तो हमें तो ही करनी है। पर जब देश में तनाव वाली स्थिति होती है, कभी कोई वारदात होती है, तो हमें पहले अपनी जान पर खेलकर वहां जाना पड़ता है। ना जाने कितनी बार हमने साबित किया है, पर आप लोग, हम कितना भी अच्छा क्यों ना करें, आप वो चांद लगे हुए ताक की तरह खाली एक ही बात सोचते हो कि पुलिस वाला बोला तो समझ ही ले। सोचो कभी तो हमारी ड्यूटी की वजह से हमें अपने परिवार वालों को टाइम नहीं देने को मिलता, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं समझ ही नहीं आता, यहाँ से वहां खाली भाग दौड़। ना हमें अपने परिवार वाले समझते हैं, ना आप लोग समझते हो जिनके लिए हम ड्यूटी करते हैं। ज्यादा कुछ ख्वाहिश नहीं आपसे, बस इतना भी बुरा मत समझो, हम भी आप में से ही हैं, हमें भी तो अपना समझो, हमें भी तो।